नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। रुपए में एक बार फिर बड़ी गिरावट आई है। आज यानी 7 अक्टूबर के कारोबार में रुपया अमेरिकी करेंसी डॉलर के मुकाबले टूटकर 82 रुपए 33 पैसे के लेवल पर आ गया। ये रुपए के लिए अब तक का सबसे कमजोर स्तर है। रुपए ने पहली बार नीचे की ओर 82 प्रति डॉलर का लेवल तोड़ा है। रुपए में गुरुवार के बंद भाव से 44 पैसे की कमजोरी रही और रुपया गुरुवार को 81 रुपए 89 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। आज के कारोबार में ये 82 रुपए 19 पैसे प्रति डॉलर के भाव पर खुला और कुछ ही देर में 82 रुपए 33 पैसे प्रति डॉलर के लेवल तक कमजोर हुआ। इसके पीछे एक नहीं बल्कि तमाम बड़े कारण माने जा रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड का भाव करीब 94.50 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है। इस हफ्ते के लो से क्रूड में करीब 12% तेजी आ चुकी है। वहीं अमेरिका में 10 साल का बॉन्ड यील्ड 3.8% के पार है। दरअसल पहली बार 23 सितंबर को डॉलर के मुकाबले रुपए ने 81 के निचले स्तर को छुआ था, जबकि उससे पहले 20 जुलाई को 80 रुपए का लेवल पार हुआ था। रुपए साल भर पहले अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 74 रुपए 54 पैसे के स्तर पर था। रुपए में लगातार आ रही गिरावट के पीछे क्या हैं बड़े कारण? क्या हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इसके संकेत? क्या इससे कोई फायदा भी हो सकता है? कितना नुकसान होगा अगर इसके नुकसान हमें जो तत्कालिक दिख रहे हैं और दूरगामी नुकसान होंगे वो क्या हो सकते हैं? क्या इसे संभालने के जो तमाम उपाय हैं वो वाजिब हैं और क्या आगे की राह हो सकती है? इसको लेकर क्या चुनौतियां हैं? तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर आज हम मुद्दा आपका में चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ अशोक झा हैं जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। अशोक झा जी, बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत आपका मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मेरे साथ प्रोफेसर अरविंद मोहन जुड़े हुए हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से हैं। प्रोफेसर अरविंद मोहन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा मेरे साथ दीपशिखा सिकरवार जुड़ रही हैं, सीनियर एडिटर हैं द इकोनॉमिक टाइम्स की। दीपशिखा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्रोफेसर अरविंद मोहन, शुरुआत आपसे मैं करूंगी। रुपए क्यों स्थिति में पहुंचा है? पहले जो तमाम कारण हैं, लोकल ग्लोबल जो भी हैं स्थिति के लिए जिम्मेदार, वो बताइए क्या बड़ी वजह है स्थिति की? देखिए, सबसे बड़ा कारण है जो चेंजेस अमेरिकन इकोनॉमी में हमें दिखाई पड़ रहे हैं और सम ऑफ देम ऑलरेडी हम एंटिसिपेट भी कर रहे थे। कोविड काल में सभी अर्थव्यवस्थाओं ने, इंक्लूडिंग अमेरिकन इकोनॉमी, क्रेडिट लाइन को सिग्निफिकेंटली बढ़ा दिया। जो लिक्विडिटी जिसको हम कहते हैं, मनी सप्लाई जो है, वो सिग्निफिकेंटली सारी दुनिया में बढ़ गई, अमेरिका में विशेष रूप से। अब जैसे जैसे हम कोविड से बाहर निकल रहे हैं, तमाम अर्थव्यवस्थाएं और विशेष रूप से अमेरिकन इकोनॉमी ग्रेजुअली उस लिक्विडिटी को स्क्वीज आउट कर रही है, निकालने की कोशिश कर रही है। तो अर्थव्यवस्था में खास तौर पर अगर आप अमेरिका में देखें तो सालों बाद हमें ऐसी स्थिति दिख रही है कि इंटरेस्ट रेट सिग्निफिकेंटली बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बॉन्ड यील्ड जो दिखाई पड़ रही है, जिसका आपने जिक्र भी किया, बॉन्ड यील्ड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, और ये पास्ट ग्लोबल अनुभव भी यही दिखाता है, सारी दुनिया से जो डॉलर है या इंटरनेशनल करेंसी हार्ड करेंसी वो बेच करके अमरीकी अर्थव्यवस्था की तरफ चली जाती है और यही इस समय होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये पहला बड़ा चैलेंज है। आप अगर इस समय देखें, सारी दुनिया की करेंसीज डॉलर की तुलना में सभी करेंसीज आपको गिरती हुई दिखाई पड़ रही है। दूसरी करेंसी, विशेष रूप से यूरोपीय करेंसी जिनको हम अक्सर मजबूत करेंसी मानते हैं, उनमें बहुत तेजी से गिरावट आई है। रुपए में भी गिरावट आई, तुलनात्मक तौर पर कम है, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर जब हम देख रहे हैं, खाली जब रुपए को देख रहे हैं, रिलेटिव पिक्चर नहीं देखने की कोशिश कर रहे हैं, एब्सोल्यूट टर्म्स में जो रुपए में गिरावट है वो फिनोमिनल है और ऐतिहासिक है। आने वाले समय में भी जो चैलेंजेस ये क्रिएट कर रहा है वो बहुत सिग्निफिकेंट होने वाले हैं। विशेष रूप से जब हम बात कर रहे हैं, इंडिया का जो इंपोर्ट बिल है वो एक्सपोर्ट बिल की तुलना में बहुत ज्यादा है, और हमारे ज्यादातर इम्पोर्ट जो है, विशेष रूप से पेट्रोलियम पदार्थ हैं, स्ट्रेटेजिक डिफेंस रिलेटेड इम्पोर्ट्स हैं, स्पेस रिलेटेड इम्पोर्ट एक्सेट्रा हैं, ये सारे डॉलर पर निर्भर करते हैं। जैसे जैसे डॉलर की कीमत बढ़ती जाएगी, रुपए की कीमत गिरती चली जाएगी, हमारे लिए इम्पोर्ट की जो कॉस्ट है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगी और ये आने वाले समय में देश के लिए एक बड़ी समस्या है। ठीक है, जैसे आपने किया, ठीक है प्रोफेसर जी। दीपशिखा सिकरवार, एक असर का जिक्र तो प्रोफेसर मोहन ने किया है, जाहिर तौर पर इसके बाद जो बड़ा सवाल है वो यही निकलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इसके क्या संकेत हैं? रुपए का नीचे आना क्या संकेत लेकर आ रहा है? अब तक क्या असर दिखाई दिया है और आगे क्या हो सकता है? देखिए,
सबसे बड़ा असर जो रुपए का है, और प्रोफेसर भोन ने भी जैसा जिक्र किया, हमारा आयात जो है, जो हम बाहर से खरीद रहे हैं, वो सब महंगा होगा, और हमारा आयात जो है, हम काफी बड़ा एक हिस्सा जो है फॉरेक्स का, उसके लिए जाता है, तो उस पर इसका असर आएगा। हमारा सबसे बड़ा असर जिस पर आता है वो है ऑयल इंपोर्ट पर, क्योंकि हम लगभग 85% तक ऑयल जो है हम आयात करते हैं, तो उसके ऊपर असर दिखेगा। उसके अलावा जो है, जब आप रुपया गिर रहा है, तो अभी महंगाई से आरबीआई जो है, हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, पॉलिसी रेट बढ़ाया है आरबीआई ने, तो वो जो भी आप आयात कर रहे हैं उसका सीधा असर जो है महंगाई पर जाएगा। तो वो जो एक लड़ाई चल रही है महंगाई से, और जो अभी तक चल रही है, उस पे और ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि रुपया आपका जो है और गिर रहा है, तो वो उसमें थोड़ी और मुश्किल आएगी अगर आप आगे देखते हैं। दूसरा, आपका जो फॉरेक्स रिजर्व्स है, आप जो फॉरेक्स रिजर्व आपका अभी तो काफी मजबूत स्थिति में है, लेकिन रुपया किस स्थिति में आगे तक जाता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक असर उसके ऊपर आएगा कि कितना, अगर रिजर्व बैंक इंटरवीन कर रहा है, क्योंकि पिछले महीनों का अगर आप देखें, जो आरबीआई ने इंटरवीन किया था, तकरीबन $100 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व जो है वो घटा है इंटरवेंशन की वजह से, तो एक असर वो भी है। तो अर्थव्यवस्था के लिए एक चैलेंजिंग स्थिति बन रही है, जिस तरह की सिचुएशन डेवलप हो रही है, क्योंकि एक तरफ आपका रुपया गिर रहा है और दूसरी तरफ आपका कच्चा तेल जो है उसके दाम में भी वृद्धि हो रही है इंटरनेशनली, तो दोनों तरफ से ये स्थिति बहुत ही चुनौतीपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए। बिल्कुल अशोक झा जी, जैसा दोनों ही मेहमान समझा रहे हैं कि ये जो स्थिति है अपने आप में, जो हमारी इकॉनमी है, अर्थव्यवस्था है, उसके लिए तमाम चैलेंजेस भी लेकर आ रही है, ख़ासतौर से हमारे लिए जो इम्पोर्ट करना है वो किस तरह से महंगा होगा, और उसका असर कहीं ना कहीं आम आदमी तक भी पहुंचेगा। फिलहाल आपको क्या लग रहा है, इसके लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो क्या है, और उनका असर कब और कैसे दिखाई देगा? इसमें पहली बात तो ये है कि अगर रुपया डिप्रीशिएट किया अगेंस्ट द डॉलर, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रुपी हैज़ डिप्रीशिएटेड अगेंस्ट अदर करेंसीज। जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने भी बताया कि रुपया जो है अब अदर करेंसीज में से अप्रीशिएट हुआ है, तो और दूसरी बात इसमें ये है कि जो रुपया डिप्रीशिएट किया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा इकॉनमी वीक है। अगर आप देखें कि अगर 1948 में रुपी वाज 5 रुपीज टू अ डॉलर, अभी हो गया जैसे आपने बताया 82 रुपीज प्लस, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि 1948 में हमारा इकॉनमी स्ट्रॉन्गर था। तो ये हमें दिमाग में रखना चाहिए कि वीकर करेंसी डज नॉट मीन अ वीकर इकॉनमी। इनफैक्ट जापान जो डिवेलप किया आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज बेसिकली अपने ऑन द बेसिस ऑफ अ वीकर येन। तो ये तो हमें दिमाग में रखना चाहिए। और तीसरी बात इसमें ये है कि जो रुपी डिप्रीशिएट किया है अगेंस्ट द डॉलर, तो इससे हमारा एक्सपोर्ट का में इनकरेजमेंट मिलेगा। इम्पोर्ट बिल तो ज़रूर बढ़ जाएगा, जैसे इन्होंने बताया कि तेल के इम्पोर्ट का भी बिल बढ़ गया और भी बढ़ेगा, लेकिन इसमें हमें एक्सपोर्ट का फैसिलिटी मिल सकता है अगर वॉल्यूम्स एक्सपोर्ट के इंक्रीज़ हो जाएं। और चीज़ ये है कि अगर हमारा एक्चुअली इसमें जरा वो एको आ रहा है हमारे, समझ रहे, बताइए। तो खैर मैं बताता हूँ, जो फोर्थ पॉइंट ये है कि
कि ओवर दी आरबीआई सिर्फ वॉलेटिलिटी को कंट्रोल कर सकती है बाय यूजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अगर वो कोई रेट फिक्स करना चाहें तो वो फिक्स हो नहीं सकता, क्योंकि रुपी का जो है वो मार्केट ड्रिवन है, और अगर वो मार्केट ड्रिवन सिचुएशन में अगर वो कंट्रोल करना चाहें रुपी डॉलर इक्वेशन, तो एक दिन के अंदर जितना भी हमारा भी 540 बिलियन रिजर्व्स है वो एक दिन में साफ हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनली डेली जो फॉरेन एक्सचेंज का टर्नओवर है दैट इज़ अबाउट 6.6 ट्रिलियन डॉलर्स। तो वो इसलिए वो मुमकिन नहीं है कि आरबीआई उसको कंट्रोल कर सके रेट को। ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर मोहन, जैसे अभी अशोक झा जी ने भी जिक्र किया कि ये स्थिति वो पैनिक वाली नहीं है, उतनी चिंताजनक नहीं है जितना एक तबका मान रहा है। एक तबका ऐसा भी है जो स्थिति को चिंताजनक नहीं मानता, वो तमाम दलीलें देता है। जापान का जिक्र भी अशोक जी ने किया, जापान और चीन एक समय ऐसा भी था जब अपनी जो मुद्रा है उसको लो बनाकर रखते थे अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए। थोड़ा हमें एक अर्थशास्त्री की नज़र से थोड़ा हमें समझाइए कि ये स्थिति एक तबका जो मानता है फायदेमंद भी हो सकती है, वो किस तरह से? देखिए, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में और जापान और चीन की अर्थव्यवस्था में एक बेसिक डिफरेंस है। जापान फॉर एग्जाम्पल बेसिकली एक एक्सपोर्टिंग नेशन, ठीक है, और जहां पर भी एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे इम्पोर्ट की तुलना में वहां पर ये हमेशा एडवांटेजेस होगा कि आपके करेंसी की वैल्यू गिरे, जब भी गिरेगी आपका एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ जाएगा, इकोनॉमी का जो सरप्लस है वो बढ़ने लग जाएगा। इंडिया की स्थिति कंप्लीटली डिफरेंट है, हमारा इम्पोर्ट बिल बहुत ज्यादा है। अगर आप तुलना करें एक्सपोर्ट बिल के कंपैरिजन में, तो जब भी रुपए गिरेगा जैसा कि इस समय हो रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा नहीं होने वाला। इसके अलावा हमारे जो की इम्पोर्ट्स हैं, पेट्रोलियम का जैसे जिक्र हुआ कि 80-85% पेट्रोलियम की जो आवश्यकता है देश में वो हम इम्पोर्ट करते हैं, इसी तरह जो दूसरा सेगमेंट है एग्री प्रोड्यूस, खासतौर पर तिलहन दलहन और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर हिंदुस्तान में शॉर्टेज रही है। आप जब इन्फ्लेशन की बात करते हैं, हिंदुस्तान में मुद्रास्फीति की बात जब हम करते हैं, वहां पर भी हमें ये स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ता है कि पिछले 10 साल का अगर आप एवरेज लेकर के चलें, 60% इन्फ्लेशन हिंदुस्तान में दो बड़े कारणों से, एक इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जो मूल रूप से पेट्रोलियम इम्पोर्ट से रिलेटेड है, और दूसरा है ऑयल सीड्स और पल्सेस, इसका जो इम्पोर्ट है ये हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर को मेजरली इन्फ्लुएंस कर रहा है। और ये सारी चीजें आपके कहीं ना कहीं इम्पोर्ट ड्रिवन है, और जैसे जैसे डॉलर की कीमत बढ़ेगी, रुपए की कीमत जिस तरीके से गिर रही, ये सारी चीजें महंगी हो जाएंगी, और ये आपके इन्फ्लेशन पर 50% ज्यादा का जो इन्फ्लुएंस है वो इन चीजों को होने वाला है। मोटे तौर पर आने वाले समय में देश के लिए ग्रोथ में चैलेंज आएगा, क्योंकि आपके पास जो कैपिटल गुड्स का परचेज है वो महंगा हो जाएगा, और साथ में इन्फ्लेशन की वजह से आपकी पूरी इकोनॉमी कॉम्प्रोमाइज होती हुई दिखाई पड़ेगी। और तीसरा जो बड़ा चैलेंज आ रहा है, ऑलरेडी आ रहा है, जैसा कि जिक्र भी हुआ कि 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा की गिरावट आपके जो मुद्रा भंडार है, देश का मुद्रा भंडार है, उसमें 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा की गिरावट हो चुकी है। ये गिर करके जो करीब 650 बिलियन डॉलर के ऊपर चला गया था वो आज मुश्किल से 540 बिलियन डॉलर रह गया। ये बहुत छोटे समय में हुआ है। अगर आने वाले समय में इसी तरीके का चैलेंज बना रहा, इसी तरीके से अगर डॉलर बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पर ये जो भंडार है इसमें भी आपको गिरावट आएगी, और ये बहुत बड़े चैलेंज की तरफ देश को ले जा रहा है। ये तीन बड़े चैलेंजेस हैं जिसके लिए हमें आज से स्ट्रेटजिक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे एक और चीज जो शायद देश को समझना चाहिए, इन्फ्लेशन एक बड़ा चैलेंज इस समय बना हुआ है। यहाँ पर ये हिंदुस्तान का जो स्ट्रेटजिक कंसर्न है ये उसका हिस्सा है, और हम इसको एडिक्वेटली एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पर जो एग्री रिलेटेड इन्फ्लेशन है, इसको हमें जिस तरीके से टैकल करना चाहिए, शायद वो व्यवस्था अभी हम एडिक्वेटली फोकस नहीं कर रहे। मुझे लग रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फूड एंड सिविल सप्लाईज, इन सब को बैठ करके इस बारे में विचार करना होगा कि आने वाले समय में हम ये कैसे इंश्योर कर पाएं कि कम से कम जो एग्री रिलेटेड इन्फ्लेशन है उसको हम आसानी से, आने वाले डिकेड में, उसमें समय लगेगा, हम आसानी से देश को उस तरफ ले जा सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, अगले साल से आप उसको इन्फ्लुएंस करने की पोजिशन हो जाएंगे, तो कम से कम जो लगभग 30% का इन्फ्लेशन है उसको हम आसानी से रेगुलेट करने की पोजिशन में आ जाएंगे। ठीक है,
इसके लिए क्या और उपाय हो सकते हैं, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगी। दीपशिखा, जैसे आप लोगों ने भी कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार का कम होना लगातार एक चिंता का विषय है, ट्रेड डेफिसिट एक चिंता का विषय है, क्या आपको लगता है कि जैसा अभी प्रोफेसर मोहन ने भी कहा कि इम्पोर्ट बिल हमारा क्योंकि ज्यादा है, हम ऐसे देश हैं जो इम्पोर्ट पर ज्यादा निर्भर करते हैं, इसलिए रुपए का लगातार नीचे जाना हमारे लिए और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है, आपको आपको भी लगता है कि इसका हमारी इकोनॉमी के लिए क्या कोई भी मैं कहूँ पॉजिटिव इफेक्ट नहीं हो सकता, और क्या स्थिति रुपए को लेकर आने वाले समय में संभल सकती है, या स्थिति मैं कहूँ हालिया भविष्य में और ज्यादा चिंताजनक होती दिखाई दे रही है? देखिए, ऐसा है कि अगर आप पूरी तौर पे देखें, ओवरऑल देखें कि अर्थव्यवस्था पे ये जो चुनौती आई है इसका क्या असर होगा, तो ये ओवरऑल अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा साइन नहीं है। इसको जो इस समय इश्यूज हैं जो इकोनॉमी के सामने हैं, एक तरफ आप ग्रोथ जो है, रिकवरी जो है उसको सस्टेन करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं, आपका इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, आपकी करेंसी पे बहुत प्रेशर आ रहा है क्योंकि विदेशी सेंट्रल बैंक्स जो हैं जिस तरह के निर्णय ले रहे हैं उसकी वजह से आपकी करेंसी पे प्रेशर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी चुनौतीपूर्ण स्थिति है, लेकिन अगर आप देखें ओवरऑल, अगर आप मैक्रो सिचुएशन देखें बाकी देशों के कंपैरिजन में, भारत थोड़ी बेहतर स्थिति में है, क्योंकि काफी कुछ मैक्रो सिचुएशन जो है वो इंडिकेटर्स काफी बेहतर स्थिति में है। तो आगे जाके ये देखना होगा कि बाहर जो है सेंट्रल बैंक्स अगर बहुत एग्रेसिव टाइटनिंग करते हैं और अगर वहां रिसेशन आता है तो उसका किस हद तक असर हमारी अर्थव्यवस्था पर होगा। लेकिन ये कहने के साथ साथ कुछ क्षेत्र हैं जहां पर जो रुपए में गिरावट आई है उसका थोड़ा फायदा उन क्षेत्रों को मिल रहा है। आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लें, जो नेट एक्सपोर्टर है जो क्षेत्र, उसमें फायदा हो रहा है। जहां जहां पे आपका नेट एक्सपोर्ट है, आप चाय ले लें, चाय में नेट एक्सपोर्ट होता है, लेकिन वो निर्यात के क्षेत्र जहां पर आपका आयात, कुछ हद तक आप आयात करते हैं उनको उतना फायदा नहीं होता है, लेकिन जो भी नेट एक्सपोर्टर हैं उनको फायदा होगा। दूसरे जो लोग हैं जिनको बाहर से रेमिटांसेस आते हैं, अगर डॉलर में वो रेमिटांसेस आ रहे हैं तो उनके लिए बहुत फायदेमंद स्थिति है इस समय, डॉलर की वैल्यू को अगर नजर में रखा जाए तो। कुछ जो क्षेत्र हैं उनके लिए एक अच्छी स्थिति बन सकती है अगर रिसेशन लंबा नहीं खिंचता है एडवांस इकोनॉमीज में। ठीक है, अशोक झा जी, एक ये भी दलील दी जाती है कि ये स्थिति ऑटो करेक्ट भी होती है, गलत नीतियां ना बने तो हो सकता है स्थिति ऑटो करेक्शन की तरफ भी जाती है। और दूसरी बात ये भी है कि जब बार बार बात हो रही है कि अदर करेंसीज के मुकाबले अप्रिशिएट हो रहा है पैसा, लेकिन डॉलर के मुकाबले हम देख रहे हैं कि नीचे जा रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय जो भी मैं कहूँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो डॉलर में ही होता है, क्या आप मानते हैं कि ये एक स्थिति ऐसी भी है जब दुनिया भर के देश इस बात पे मंथन कर सकते हैं कि डॉलर पे ही इतनी डिपेंडेंसी क्यों, इसे कम किया जाना चाहिए? नहीं, आपने सही बताया कि बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड डॉलर डिनोमिनेटेड है, ऑलमोस्ट 80% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड डॉलर में किया जाता है। तो अब इसका तो यही तरीका है कि जैसे हमने भी, सरकार ने भी शुरू किया कि कुछ ट्रेड जैसे ईरान के साथ रुपी डिनोमिनेटेड हो सके और कुछ देशों के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड डिनोमिनेट हो जाए, तो धीरे धीरे तो कोशिश यही करना चाहिए कि रिलायंस ऑन डॉलर उसको हम कम करते रहें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें तो समय लगेगा और ऑटो करेक्ट तभी होगा जबकि यूएसए में जो इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं और अभी होंगे कुछ महीने तक, और जब तक कि वो इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करना वो सेंट्रल बैंक उनके बंद कर दें
और तभी हमारे यहाँ भी वो डॉलर का उतना फिर डिमांड वहाँ नहीं होगा, तो इससे जब डॉलर का डिमांड कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो करेंसी का रेट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे मार्केट डिनोमिनेटेड है ना, मार्केट से इसका ये ताल्लुक रखता है। तो इसलिए आई थिंक कम से कम अगले जो लोगों का कहना है कि कम से कम अगले 8-10 महीने तक तो ये करेंसी का जो है एक्सचेंज रेट प्रेशर में रहेगा, और उसके बाद ही शायद कम हो सकता है। ठीक है, इस पर प्रोफेसर मोहन आप क्या कहेंगे? कहा जाता है आपदा में अवसर भी होता है, तो ये जो एक तरह से चुनौतीपूर्ण स्थिति है, क्या ये कहीं ना कहीं एक बार फिर उस मंथन को बढ़ावा दे रही है कि डॉलर पर डिपेंडेंसी, इतनी निर्भरता क्यों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर पर ही क्यों? रूस ईरान जैसे देश जो हैं वो लोकल करेंसी में एक तरह से तेल कहीं ना कहीं बेचने के लिए तैयार है, तो क्या ये ऐसा अवसर भी है? आपने बड़ा इम्पोर्टेंट इशू उठाया है। निश्चित तौर पर हर चुनौती एक बहुत बड़ा अवसर है, और जैसा झा साहब ने भी कहा, मैं पूरी तरह एग्री करता हूँ कि शायद हम इतनी तेजी से जो रूपी ट्रेड है उसको नहीं बढ़ा पाते, लेकिन आज हमारे पास एक बड़ा मौका है। बांग्लादेश के साथ हम बात कर रहे हैं, ईरान के साथ संभावनाएं हैं, ऑलरेडी हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं, रशिया के साथ हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है जैसे जैसे हम इस तरीके का ट्रेड बढ़ाएंगे, ये हिंदुस्तान के लिए एक अवसर है, और इस अवसर को हमें निश्चित तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा एक बड़ा इशू है कि बहुत सारे कमोडिटीज जो अभी हमें इम्पोर्ट करने में एडवांटेजेस थे, अब शायद डॉलर या रुपये के गिरने की वजह से अब वो एडवांटेज धीरे धीरे आपका कम हो रहा है। तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो भी शायद हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए। एग्रीकल्चर में निश्चित तौर पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, दूसरे सेक्टर्स में हिंदुस्तान की इंडस्ट्री को, हम ऑलरेडी मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम मेक इन इंडिया को और प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, निश्चित तौर पर जो हमारी इम्पोर्ट पर निर्भरता है हम उसको काफी कम कर सकते हैं स्ट्रैटेजिक एरियाज में, चाहे वो डिफेंस हो जिसमें हम ऑलरेडी मेजर इंटरवेंशन कर ही रहे हैं, चाहे वो न्यूक्लियर रिसर्च हो, चाहे स्पेस रिसर्च हो, या दूसरे इस तरीके के स्ट्रैटेजिक एरियाज ऑफ कंसर्न है, उसमें हम निश्चित तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। पेट्रोलियम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बड़ा मौका है, जहां हमें ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर जैसे जो सोर्सेज हैं या बायो एनर्जी जैसे जो सोर्सेज हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पर हमें ग्रेजुअली बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है हम आने वाले समय में देश को और सुदृढ़ कर पाएंगे, तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करने का मौका है, और निश्चित तौर मुझे लगता है देश उस दिशा में बढ़ने की कोशिश करेगा। बिल्कुल दीपशिका, आपके क्लोजिंग कमेंट क्या होंगे? पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जल्दी अनुमान है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, और जैसा प्रोफेसर मोहन ने भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो हालिया डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति है वो हमें कहीं ना कहीं विचार करने का मौका दे रही है कि जहां हम कमजोर हैं वहां और ज्यादा ताकत के साथ और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ें। बिल्कुल, देखिए पूरा अगर आप देखें कि पॉलिसी मेकर्स जो है इस तरफ ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे सक्षम बना जाए, और इसीलिए जैसा कि मिस्टर झा ने भी बताया कि ये जो ट्रेड रुपी ट्रेड विंडो रिजर्व बैंक लेकर आया है, उसका उद्देश्य यही है कि इस तरह के जो हालात होते हैं इनसे कैसे बचा जाए, कैसे हम रिप्लेस करें। ये बिल्कुल एक दिन में नहीं हो पाएगा, इस पे समय लगेगा, लेकिन धीमे धीमे उस दिशा में हम जाएं। और अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन अगर आप देखें, अगर बाहर भी आप अर्थशास्त्रियों से या एक्सपर्ट से बात करें, तो जो भारत के मैक्रो इंडिकेटर्स हैं इस समय, इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मैनेजेबल है, और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि उसे मैनेज किया जाएगा। ग्रोथ भी भारत, आशा की जा रही है कि इस सारी स्थिति के बावजूद इस साल 7% के करीब ग्रोथ हो पाएगी। तो स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन कहाँ इंटरवेंशन करना है, बहुत टारगेटेड इंटरवेंशन करना है, उस दिशा में काम किया जा रहा है, और इस चीज का ध्यान रखा जा रहा है कि ये जो चुनौती है इसको एक बेहतर तरीके से टैकल किया जाए और इसी में अपॉर्चुनिटीज ढूंढी जाए। बिल्कुल, और इसी के साथ समय यही पूरा हो गया है। दीपशिखा शिखरवार आपका, प्रोफेसर अरविंद मोहन आपका, और अशोक झा जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और मुद्दा आपका का हिस्सा बनने के लिए। तो आज भारत की अगर बात करें तो विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और 2029 तक जिस तरह का अनुमान है, 140 करोड़ की लगभग हमारी आबादी है, और हम जल्दी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं।
लेकिन देश में जो डॉलर के मुकाबले रुपए की फिलहाल गिरती अवस्था है वो कहीं ना कहीं एक चिंता का सबब है। और जैसा हमने चर्चा के दौरान जाना और समझा कि इसके पीछे तमाम अर्थव्यवस्था के लिए तो संकेत है ही, ये कहीं ना कहीं एक अवसर की तरह भी इसे देखने की कोशिश होगी। हम जिन क्षेत्रों में कमज़ोर हैं वहाँ हमें आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए, इम्पोर्ट पर कहीं ना कहीं निर्भरता कम करनी चाहिए। और जाहिर तौर पर हमें देखना होगा कि जो डॉलर पर डिपेंडेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, क्या ये उसके लिए भी एक बड़ा संकेत लेकर आया है कि इस दिशा में भी जो तमाम देश हैं वो कदम उठाएं और मजबूती से इस दिशा की ओर आगे बढ़ें। इसी के साथ फिलहाल मुद्दा आपका में इतना ही। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।